यहाँ पे बुद्धा जी का छोटा छोटा मूर्ति बना है, सामने फ्रंट से थोड़ा बड़ा मूर्ति है गोल्डन कलर में। और यहाँ पे देखिए, हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं, छोटा छोटा मूर्ति बना है। यहाँ पे छोटा छोटा मालिक है, जिसे आप हाथ से ऐसे घुमा सकते हैं, इस तरीके से हाथ से घुमा सकते हैं। और इस तरह ऐसे सारी व्यवस्था है, यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पे रूम भी दिया जाता है रहने के लिए। रूम में यहाँ पे नंबर दिए गए हैं और रूम है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं उसकी झलक। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल रचना ब्लॉग्स। और आज हम आ गए हैं तिब्बती मंदिर। और हम इस टाइम हैं, देखिए यहाँ पे किसको कहते हैं माले। और ये जैसे हम लोग भगवान का नाम जपते हैं तो माला से, उसी तरह इसे घुमाते हैं तो बुद्धा जी का नाम जपते हैं। ये देखिए, इस तरह हम घुमाएंगे तो इस तरह बुद्धा जी का नाम जपेंगे। तो एक बार चलिए घुमाते हैं। ये देखिए कितना अच्छा है, बहुत ही बड़ा है ये और बहुत ही अच्छा है। ये देखिए बहुत बड़ा है। और यहाँ पे देखिए दीवारों पे जगह जगह लाइटिंग भी बल्ब भी लगाए गए हैं, कई तरह की लाइटिंग जलती है जब यहाँ पे, तो बहुत अच्छा लगता है। हम आपको एक बार व्यू दिखा दे रहे हैं यहाँ पर, इतनी ऊपर से बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलते हैं अब यहाँ से बाहर, देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और देखिए वहाँ पे भाभी बैठी हुई है, क्या यहाँ पे देखिए यहाँ पे अभी आए हैं तिब्बती मंदिर में घूमने, और मान्या भी आई हुई है, भाभी भी आई है, और आद्या भी आई हुई है। आद्या को देखिए, आद्या पानी पी रही है। मानिक है जिसका मैं आपको व्यू दिखा रही हूँ। तो अब हम चल रहे हैं देखने, यहाँ पे स्तंभ है, देखिए बहुत ही सुंदर सा लग रहा है। आइए चलते हैं, स्तंभ देखते हैं। चलिए आइए, ये देखिए यहाँ पे कितनी अच्छी गाड़ी है, और यहाँ कुत्ता भी सोया हुआ है। हम लोग आए हैं तो फिर उठ गया। अब ये देखिए यहाँ पे स्तंभ बड़ा सा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ही बड़ा सा है सिस्टम। और यहाँ पे देखिए झंडे लगे हुए हैं, यहाँ पे आपको यहाँ के हर मंदिर में ये झंडे दिखेंगे। ये सामने देखिए, तो बेटा ये चीटियों का घर है। तो ये देखिए, ये है स्तूप, यहाँ पे लिखा हुआ है माइटियस स्तूप। और एक दिखाते हैं उसके, तो अब हम यहाँ से चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या है मंदिर में। व्यवस्था है, यहाँ पे लोग आते हैं तो यहाँ पे रूम भी दिया जाता है रहने के लिए। रूम में यहाँ पे नंबर दिए गए हैं, और एक तरह से आप कह सकते हैं होटल की तरह यहाँ पे रूम मिले हैं सबको रहने के लिए। ऊपर से नीचे तक रूम है, हम आपको एक बार दिखा देते हैं उसकी झलक। और यहाँ पे रह के ये लोग दर्शन भी कर सकते हैं, घूम भी सकते हैं सारनाथ में। सारनाथ यहाँ पे घूमने की बहुत सारी जगह है, जो कि मैंने आपको छोटा छोटा अपना ब्लॉग बनाया है उसमें दिखाया है। और आज हम लोग तिब्बती मंदिर में हैं, तो यहाँ पे रहने की भी व्यवस्था है। और अभी हम आपको दिखाते हैं और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ है यहाँ पे। एक और है जैसे अभी हम लोग दिखाए हैं, उसी तरह यहाँ पे मालिक है, और जिससे हम घुमाते हैं तो बुद्धा जी का नाम लेते हैं। तो देखिए भाभी थक गई है क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा है, तो वो देखिए भाभी वहाँ बैठी हुई है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है, लेकिन फिर भी उतना स्पेस है कि यहाँ पे मंदिर है। बहुत ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, लेकिन आइए हम आपको दिखाते हैं यहाँ पे। यहाँ की सबसे अच्छी व्यवस्था मुझे ये लगी कि यहाँ पे लोग रह सकते हैं और रह के दर्शन भी कर सकते हैं, और बाहर से आ रहे हैं तो घूम भी सकते हैं। देखिए देखिए, फ्लावर भी छोटे 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 बीज भी निकले हुए हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। लाइन से लगा हुआ है यहाँ पे, लाइन से लगा है। तो यहाँ पे हम आपको दिखाने वाले हैं स्तूप, जो कि छोटे छोटे बुद्धा जी का वहाँ पे बहुत सारा मूर्ति बना हुआ है। आइए दिखाते हैं आपको।
ये देखिए यहाँ पे बुद्धा जी का छोटा छोटा मूर्ति बना है, सामने फ्रंट पे थोड़ा बड़ा मूर्ति है गोल्डन कलर में, और यहाँ पे देखिए हम आपको जूम करके दिखा रहे हैं छोटा छोटा मूर्ति बना है। तो हम एक बार आपको दिखा दे रहे हैं दूर से, बहुत ही सुंदर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पे हम आपको बड़े मालिक दिखाए थे, अब यहाँ पे छोटे छोटे मालिक हैं, उसकी भी वही मान्यता है कि आप घुमाएंगे तो बुद्ध जी का नाम लेते हैं, नाम जपते हैं एक तरह से। तो आइए हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा मालिक है, जिसे आप हाथ से ऐसे घुमा सकते हैं, इस तरीके से हाथ से घुमा सकते हैं और इस तरह ऐसे करते हुए सारे मालिक को। और यहाँ पे आइए हम आपको फ्रंट से दिखाते हैं, यहाँ बुद्ध जी की बहुत ही सुंदर थी बड़ी सी, अति बड़ी सी मूर्ति लगाई गई है। तो यहाँ चीज़ें देखिए, भाभी आद्या मान्या सब लोग घुमा रहे हैं, वो देखिए सब लोग नाम जप रहा है, घुमा नहीं रहे नाम जप रहा है, ये नाम जपने वाला है। आद्या से नहीं हो रहा है, आद्या से नहीं हो रहा है वो, देखिए मैं आद्या से करा रही हूँ, आद्या को भी नाम जपने भाई। तो आद्या से नहीं हो रहा था, तो ये देखिए अब मैं सामने बहुत ही बड़ी सी मूर्ति है बुद्धा जी की, मैं आपको दिखाती हूँ। ये पूरे शीशे में कवर्ड है, लिया हुआ है इसमें दिखा रहे हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है आपको देखने में। मुझे छोटा सा डोनेशन बॉक्स भी बना हुआ है, ये देखिए डोनेशन बॉक्स, आप इसमें डोनेट कर सकते हैं जितना चाहें, और यहाँ पे बैठने के लिए भी व्यवस्था दी गई है। ये देखिए आने के बाद ये फ्रंट गेट है, और यहाँ पे देखिए बैठने की व्यवस्था दी गई है, ये देखिए यहाँ पे ये बैठने की व्यवस्था है, ये बनाए गए हैं। और ये देखिए ये है फ्रंट गेट, यहाँ पे बहुत ही सुंदर से दूर तो बड़े बड़े पेड़ लगे थे बाहर, लेकिन अभी चौड़ीकरण हो रहा है जिसकी वजह से तोड़ दिया गया है, तो वो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, अट्रैक्शन का बहुत ही अच्छा पार्ट था वो। आइए वहाँ पे दिखाते हैं, तो बुद्धा जी की मूर्ति के सामने यहाँ पे लैंप हाउस है, दीपाल है, यहाँ पे आत्मा की शांति के लिए दिया जलाया जाता है, ये मान्यता है। तो हम आपको अंदर से दिखाते हैं, बहुत सारे दिए हैं ढेर सारी जो कि आत्मा की शांति के लिए जलाए जाते हैं। यहाँ पे मैंने दीपालय दिखाया आपको, लैंप हाउस, तो आइए चलते हैं मंदिर का आउटलुक देखते हैं। भाभी अपने स्लीपर मंदिर के बाहर छोड़ के आई है और भूल गई, वहाँ पे भाभी जाने के लिए वो भूल गई है वहीं पे मंदिर के पास। ओह माय गॉड, देखिए हम आपको मंदिर का आउटलुक दिखाते हैं, बहुत ही सुंदर सा है। और यहाँ पे अभी हम मंदिर प्रांगण में हैं, तो देखिए यहाँ पे ये देखिए पहले ये बड़े बड़े मैंने बताए थे ना, यहाँ पे कई कलर के झंडे लगे हुए हैं, और इधर देखिए इनके ऊपर में भी हर तरह कलर के झंडे लगे हुए हैं। यहाँ पे देखिए आधे रोने लगी, क्यों रो रही है देखते हैं, ये लोग पर्स के लिए लड़ाई कर रही हैं, इन लोगों को पर्स चाहिए, एक पर्स है दो लोगों को चाहिए। तो ये देखिए अब हम आ गए हैं मंदिर, यहाँ पे हम आपको आउटलुक दिखा रहे हैं मंदिर का। तो ये है मंदिर का आउटलुक, जहाँ दीवारों पे बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग की गई है। ए बेटू आओ, ये देखिए दीवारों पे सुंदर सुंदर पेंटिंग है, और जिस तरीके का मैं बता रही हूँ बाहर शेर लगा हुआ था, उसी तरीके कुछ यहाँ ऊपर दिखाया जा रहा है जो कि शीशे में कवर्ड है, और बहुत ही अच्छा लग रहा है। ये देखिए ऊपर इसी तरह का बाहर बहुत ही बड़े में था, लेकिन अभी तोड़ दिया गया है। ऊपर वो देखिए वो बुद्धा जी हैं और उनके शिष्य हैं, तो यहाँ पे देखिए पेंटिंग बहुत ही अच्छी की गई है मंदिर के दीवारों पे। पेंटिंग पे आइए आपको थोड़ा पास से दिखाते हैं, आगे भाभी देखिए ये पेंटिंग यहाँ पे बहुत ही सुंदर लग रही है पेंटिंग, और
ये देखिए ये मंदिर का द्वार है, यहाँ पे देखिए पैसा है, कोई यहाँ पे पैसा चढ़ रहा है। मंदिर बंद है इस टाइम, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पैसा लगा दिया, मतलब कि पैसा चढ़ाया गया है। अंदर पूजा पाठ चल रहा है तो घंटी की आवाज़ आ रही है, और यहाँ पे देखिए अब भी बंद है। वो यार कितना मिलेंगे, यही सब बात करेंगे। तो यहाँ पे गमले में सामने जो है वो पौधे बहुत अच्छे लगाए गए हैं, वो देखिए फ्लावर बहुत अच्छे लगाए गए हैं। हाँ, तो सामने बड़े बड़े यहाँ पे फूल हुए हैं गमले में। कौन सा डहेलिया मतलब कि बड़ा बड़ा फूल होता है, जाड़े का पौधा था भी बताइए, मुझे मालूम नहीं रहता है। और वो देखिए यहाँ पे जगह जगह लगाया जा रहा है गमले में, क्योंकि यहाँ पे बाहर अभी हो रहा है चौड़ीकरण, मैं अभी बाहर निकलूँगी तो आपको दिखाऊंगी। तो इसके लिए सामने जो रोड जो है वो जितने भी सामने आए हैं सबको तोड़ दिया है। तो यहाँ पे मधुमक्खी का भी छत्ता लगा हुआ है, हम आपको दिखाते हैं पेड़ के ऊपर। वो देखिए, तो देखिए मैं मधुमक्खी का छत्ता दिखा रही हूँ जूम करके, अगर आप लोग को दिख जाए तो पेड़ के ऊपर लगा हुआ है छत्ता। आज का ये ब्लॉग छोटा सा मैंने बनाया था तिब्बती मंदिर का, कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए, ताकि मैं इससे अच्छे से अच्छा वीडियो आपको बना के भेजती रहूँ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और जो मेरे चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।